दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल इवोल्यूशन कैसे करते हैं ई टेंडर के। ई टेंडर आपने खोल लिया, फाइनेंशियल बिड भी आपने खोल ली, उसके बाद फाइनेंशियल इवोल्यूशन किस तरह से करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट की मैंने अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे टेंडर टू बी ओपन पे क्लिक करूँगा और अपने टेंडर आईडी डालूँगा। जिस टेंडर की मैंने फाइनेंशियल इवोल्यूशन करनी है उस टेंडर की टेंडर आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा। तो ये मेरा टेंडर हो गया, ये मैंने 17 मार्च कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और नीचे ये फाइनेंस का जो ये ब्रीफ केस से बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे। आपकी जो पार्टियाँ आई थी, जो आपने एक्सेप्ट कर रखी हैं, जिनकी आपने फाइनेंशियल बिड खोली थी, वो यहाँ पे शो कर देगा। मेरी इसमें 4 आई थी, एक को मैंने रिजेक्ट कर दिया था टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल उसकी रिजेक्ट हो गई थी, तो इसलिए इसमें 3 रह गई थी, तो 3 के मैंने इसमें एडमिट कर दिया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे समरी मांगता है, तो समरी में आपको कुछ वर्ड लिखने होते हैं कि भाई फाइनेंशियल में आप जो आप फाइनेंशियल एवेल्यूशन करने जा रहे हो उसमें समरी में कुछ आपने लिखना है, जैसे कि ये मैं इसमें लिख देता हूँ के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एक समरी, एक डॉक्यूमेंट जो प्रोसीडिंग बनती है उस पर टेंड कमेटी के साइन होते हैं, वो आपने अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने सेव कर रखी है पीडीएफ में स्कैन करके। तो ये मेरी जो प्रोसीडिंग है जिसमें मैंने सारी डिटेल दी हुई है और डिटेल लिखी हुई है कि भाई ये 4 पार्टियाँ आई थी, इसकी फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं हुई टेक्निकल रिजेक्ट होने के बाद, और इसको एक्सेप्ट कर लिया, और नीचे कमेटी के जो मेंबर हैं उनके साइन हो रहे हैं। तो ये एक समरी होगी, तो इसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। रेड कलर का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का जो भी कोड है वो डालोगे, ये स्कैन हो चुकी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आपने फाइनेंशियल एवलुएशन इस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर से आप देखोगे आपका जो टेंडर है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे ये टेंडर आईडी को यहाँ पे डालकर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है टॉप पे ही। तो इसमें तीनों पार्टियों के ये रेट पूछेगा यहाँ पे कि किसके कितने रेट हैं, तो यहाँ पे आपने वो रेट डालना है कि कोटेटेड रेट जो भी है इसका। तो मैं यहाँ पे इनके कोटेटेड रेट डाल देता हूँ। मैं L1 को ही एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि मुझे L1 को टेंडर देना है, तो बाकी को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, रीजन में एक्सेप्ट जो उसको मैंने एक्सेप्ट किया है उसको एक्सेप्ट लिख दूंगा, बाकी को रिजेक्ट लिख दूंगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। एवरग्रीन को हमने रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया है, तो अपनी जो प्रोसीडिंग में है वो इसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। आगे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से ये कुछ समरी और डिटेल मांगेगा। इसमें ये कमेटी चेयर पर्सन है जो यहाँ पे डालना है, ADC इशारे जैसे अपना यहाँ पर, और यहाँ पे सभी कमेटी मेंबरों के नाम आपने डालना है, कौन कौन कमेटी मेंबर हैं जो कि प्रोसीडिंग में, तो एक कमेटी मेंबरों के साइन हो जिनके हो रहे हैं वो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, और वही प्रोसीडिंग सेम जो पीछे डाली थी वही यहाँ पे आपने फिर से दोबारा अपलोड करनी है और रेड कलर के बटन पर स्कैन करना है। आप यहाँ पे DSC का कोड डालोगे, उसके बाद सेव करोगे। ये फाइनेंशियल इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद में आपके आता है AOC, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप दूसरी वीडियो में बनाता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं।